हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहां पे हम लोग सभी एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट है जिसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। यहां पे अनएकेडमी का नीट यूजी स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जो कि आप अटेंड कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। ये सीरीज़ अटेंड करने का क्या फ़ायदा है, तो आपको आपका पोजीशन समझेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी। ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रिडिक्टर, तो आपका रैंक भी प्रिडिक्ट हो सकता है। वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। डिटेल आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है या फिर बायोलॉजी, जो भी है, तो पूरा आपको ये डिटेल इसमें मिलने वाला है। तो शेड्यूल आप देख लीजिएगा। 1 है 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, सेप्टेम्बर 1, 4, 7 एंड 9 को। तो यहाँ पर अनएकेडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट भी आप दे सकते हो, जो टेस्ट रहता है एवरी संडे एट 11 AM। ओके, ये टेस्ट जो है उसमें भी आपका ऑल ओवर इंडिया का रैंकिंग आपको मिल जाता है। अगर आप अभी नीट यूजी नहीं दे सकते, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर होंगे उनको बोलो, दो रैंकिंग आपको पता चलेगा। और आपको कोड यूज़ करना है omkar_96। ओके, तो वीडियो को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे एक NDTV का आर्टिकल है, पोस्टपोन नीट 2021 कांट मैनेज टू सो मेनी एग्जाम्स टुगेदर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि सितंबर में कौन कौन से एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं और क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए। पोस्टपोन नीट UG 2021 स्टूडेंट से दे हैव मल्टीपल एग्जाम्स इन सितंबर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर ऑल दोज टुगेदर, ठीक है। तो आपका हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबका पैटर्न डिफरेंट है, हम लोग एक साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है, हैशटैग पोस्टपोन नीट UG 2021 हैज़ बीन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर फॉर डेज। तो ये अगर आप भी चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो नीट का, तो आपको ये ट्रेंड करना है, हैशटैग पोस्टपोन नीट UG 2021, ठीक है, ये आपको ट्रेंड करना है। देन हम लोग थोड़ा आर्टिकल देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट हैव आस्क नेशनल टेस्ट एजेंसी टू एजुकेशन मिनिस्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया, NTA को रिक्वेस्ट किया है कि आप एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिएगा। नीट 2021 इज शेड्यूल फॉर सितंबर 12, ठीक है, 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन CBSE क्लास 12th ऑप्शनल एग्ज़ाम भी वही दिन है, सिमिलर डे। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से डे पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे द नेशनल लेवल अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर BSc कोर्सेज, स्टेट लेवल एग्जाम लाइक OJE 2021, महाराष्ट्र CET 2021, COMDH CET, UGET शेड्यूल अराउंड क्लोज नीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल देखेंगे हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिजिक्स का पेपर है 9th ऑफ सितंबर, मैथमेटिक्स है 13 सितंबर, नीट UG है 12 सितंबर, ICAR का पेपर है 13 सितंबर, COMED का पेपर है 14 सितंबर, OGE का पेपर है 6 सितंबर टू 18 सितंबर, MP बोर्ड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है 1st सितंबर से लेके 25th ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का ट्वीट है, मैंने उसका नाम नहीं डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर में इतना ज़्यादा एग्ज़ाम है, तो नीट का एग्ज़ाम कैसे देंगे स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना यही एक सोल्यूशन है। लेकिन क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी हैज़ क्लोज द रजिस्ट्रेशन विंडो एंड एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, एडमिट कार्ड विल बी इश्यू ऑन 9th सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, 3 दिन पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो NTA क्या बोल रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर विल पोस्टपोन द एग्ज़ाम अगेन अनलाइकली। तो यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि द एग्ज़ाम हैज़ ऑलरेडी बीन पोस्टेड वंस, एक बार वो एग्ज़ाम आपका आगे जा चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पोस्टपोन करना ये एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया तो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ेगा। हर एक एग्ज़ाम डिफरेंट है, हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। तो गाइज, आपको ट्रेंड करना है हैशटैग पोस्टपोन एग्जाम नीट 2021, जो कि मैंने आपको दिखाया। आप अपडेट्स के लिए विज्ञान साइंस एकेडमी पेज को फॉलो करो, लाइक करो। इंस्टाग्राम पेज भी सिमिलर नाम से है, वहाँ पे भी आके आप फॉलो करो और अपडेट के लिए बने रहिए। जैसे जैसे नीट का कुछ भी अपडेट आता है, मैं रेगुलरली अपडेट यहाँ पे करता रहूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।